Good. Thank you. Very good. Thank you, thank you. Smooth. Really? Very smooth. तू मेरे बीवी के हाथ की लाइनें पढ़ रहा है या हाथ पकड़ के लाइन मार रहा है? नहीं, मैं उनकी रेखाएं देखकर उनका भविष्य बता रहा था। लेकिन लगता है तेरा अपना भविष्य बहुत गड़बड़ है। वो कैसे? क्योंकि तुमने जैसे मेरी बीवी का हाथ पकड़ा था ना, ऐसे उससे मेरा खून खौल रहा है। भविष्य देखने वाला आदमी, फ्यूचर मैन। डिस्टर्ब तुम कर रही हो मुझे। मैं? एक बात बताओ, आज तक तुमने कभी अपनी लाइफ में अपना हाथ मेरे हाथ में इतनी देर के लिए दिया? शट अप। तुम नहीं जानते ये कितने बड़े जोशी हैं। फिल्म इंडस्ट्री की लगभग हर फिल्म का मुहूर्त यही निकालते हैं। अच्छा, यानी कि आज जो फिल्म लाइन की हालत है उसके पीछे इनका हाथ है। यस 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 जोशी जी, आप प्लीज बताइए ना जी, मेरे हालात में सुधार आने के चांसेस हैं कि नहीं? 100%। ओह लवली। लेकिन लेकिन क्या? ये जगह आपको छोड़नी होगी। ओह, तो चलिए ना गार्डन में बैठते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है इस घर को आपको छोड़ना होगा। इस घर को क्यों? क्योंकि ये घर आपके लिए शुभ नहीं है। इस पर राहु की तीसरी नजर है और केतु बड़ी बड़ी आंखें करके इस पर देख रहा है। केतु? You mean केकु? केकु? इस नाम का तो कोई ग्रह नहीं ऊपर, लेकिन नीचे है, हमारे पड़ोस में रहता है, चश्मे वाला चालू ग्रह है, बड़ा बदमाश है। अच्छा अच्छा, वो जो भी हो मैडम, आप ये घर छोड़ दो वरना आपकी तरक्की नहीं होगी। I think he's right, वरना मेरे जैसे बड़ी सुपरस्टार को 6 महीने हो गए हैं, मैंने कोई भी नई फिल्म साइन नहीं की है। तो कम हियर, कम हियर, कम हियर, ये वाला कम हियर नहीं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कम हियर। तो हम ये घर छोड़ रहे हैं। चिल्ला रहे हो क्या? तुम्हारे घर को आग लग गई? नहीं सर, मेरे दिल में आग लग गई है। क्यों, क्या हुआ? गोखले, प्रेमा जी अपना फ्लैट बेच रही है। तो, अरे आप देख के क्या करेंगे? मुझे नया फ्लैट खरीदना है। अच्छा, तो आप प्रेमा जी का फ्लैट खरीदेंगे? केशव, पहले फोन करके ये पूछ लो कि वो फ्लैट क्यों बेचना चाहती है। केशव, पहले फोन करो, कहो कि शर्मा जी तुम्हारा फ्लैट खरीदने में इंटरेस्टेड है। लेकिन कितने में बेच रही है? लेकिन मुझे फ्लैट नहीं बेचना है। डॉल, तुम खुद भी कंफ्यूज हो रही हो और फ्लैट की प्राइस को भी कंफ्यूज कर रही हो। देखो, फ्लैट बेचने का यही तरीका है, कोई भी फ्लैट हो ना, रियल प्राइस नहीं बताता। लेकिन बाबा, इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलोगी तो फ्लैट कैसे बिकेगा? यह है मुंबई मेरी जान, वही चीज बिकती है यहाँ जिसका प्राइस बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, लाइक मी। कौन सा फोन? हेलो, प्रेमा जी, मैं बोल रहा हूँ, बबलू प्रसाद शर्मा। मुझे आपका एड देखा, वैसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? बॉस शर्मा जी का फोन है। अच्छा, वो फ्लैट की प्राइस पूछ रहे हैं, क्या बताऊँ? अरे उसकी तो 3-3 बीवियां हैं और तीनों रईस हैं, और जो लेटेस्ट मॉडल है ना, वो तो बहुत बड़े डायमंड एक्सपोर्टर की लड़की है। करोड़ों के हीरे घर में यूं बिखरे रहते हैं उसके, कुछ भी बोल दो, कुछ भी। शर्मा जी नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि शर्मे का बिना केकड़े के और गोखले के दिल नहीं लगता। हेलो शर्मा जी, यस, आप इंटरेस्टेड है ना? इसलिए तो फोन किया मैडम आपको। आपका बजट क्या है बताइए? मतलब फ्लैट की कीमत तो बताइए। 80 लाख ओनली। शर्मा जी क्या हुआ? मैं पानी पी रहा था प्रेमा जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। इंसान की तरह इतना पानी क्यों पी रहे हो? हम लोग नया फ्लैट खरीद रहे हैं डार्लिंग, जानती हो किसका है? किसका है? प्रेमा शालिनी जी का। तो क्या हुआ? अरे 6 महीने तो उसके फैंस के फोन अटेंड करने में लगेंगे मुझे। नहीं जी, वो फोन मैं अटेंड कर लूंगा डार्लिंग, लेकिन हम लोग फ्लैट खरीद रहे हैं। क्या कीमत है उसकी? कीमत किसकी? फ्लैट की। ओ, फ्लैट की ओनली 80 लाख। तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों, क्या हुआ? अरे इतना पैसा हमारे पास आएगा कहाँ से? तुम्हारे गहने तो हैं डार्लिंग। हेलो प्रेमा जी। प्रेमा जी, मैंने सुना है आप अपना फ्लैट बेच रही हैं। यस। लेकिन क्यों बेच रही हैं? क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हुई? केकु जी, उसकी तो मुझे आदत पड़ गई है। आप अपना फ्लैट क्यों बेच रही हैं प्रेमा जी? एक जोशी ने मुझसे कहा कि मेरा फ्लैट मेरे लिए बहुत मनहूस है। हाँ। ओ, तो आप मेरे पास आ जाइए ना। क्या? मेरा मतलब है आप मेरे घर में शिफ्ट हो जाइए, हम लोग आपके घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नो थैंक यू केकु जी, बट थैंक यू फॉर द ऑफर।
राहु की तिरछी नजर है और केकु घूर घूर कर देख रहा है। केतु आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। बाय द वे, अगर आपके पास कोई कस्टम है फ्लैट के लिए तो मैं आपको 1.5% कमीशन दे सकती हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं प्रेमा जी। वैसे क्या भाव लगाया है आपने अपने फ्लैट का? नॉट मच, सिर्फ 80 लाख। बाय। नो आई कांट बाय। नो, वो वाला बाय नहीं, बाय बाय। मैं तो डर गया था। बाय द वे, आपके बॉस है ना शर्मा जी, उनका टेलीफोन आया था मेरे पास। क्यों? वो इंटरेस्टेड है। क्या? फ्लैट खरीदने में। उनसे आप कह दीजिएगा कि मेरे पीछे तो लाइन लगी है। क्या? फ्लैट खरीदने वालों की। बाय बाय। बाय। टाटा। टाटा। इस फ्लैट की पता है एक और खासियत है, नीचे ग्राउंड पे फ्लोरिंग मिलेगी और आपको छत पे सीलिंग मिलेगी। कैसा लगा आपको हमारा फ्लैट? फ्लैट तो बहुत अच्छा है, लेकिन कीमत के हिसाब से कुछ ज्यादा है। क्यों जी? अच्छा, कितनी कीमत बताई हमने आपको? 60 लाख। मुझे तो 70 लाख बताया था आपने। नहीं नहीं सर जी, आपका फोन इनके बाद आया था, तब तक प्राइसेस शूट अप कर गई थी ना। अच्छा अच्छा, आइए मैं आपको बालकनी दिखाऊं। किस लिए? बालकनी में से कूदने के लिए। सर कूदना फांदना तो आप पोजीशन लेने के बाद, अभी कूदेंगे तो खामखा हम लोग पुलिस के लफड़े में आ जाएंगे। क्यों जी? फ्लैट तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कल मैं अपने पति को लेकर आऊंगी। क्यों जी? क्यों जी, ये क्यों जी आपके हैं कौन? कोई नहीं। अच्छा, तभी मैं भी कहूँ कि इतनी सुंदर लड़की को इतना बेवकूफ सा पति कैसे मिल गया। नहीं चाहिए मुझे फ्लैट। मुझे भी नहीं चाहिए। सर जी, आप तो 10-15 बार फ्लैट देख चुके हैं, आप तो लेंगे ना? है? मैं तो टाइम पास के लिए आता हूँ। टाइम पास मतलब? मुझे आपको देखने में बड़ा मजा आता है। निकले यहाँ से, मैं कहता हूँ निकले यहाँ से, निकले। इतने बुड्ढे हो गए अभी टाइम पास कर रहे हैं मेरे साथ। मम्मी मुझे मालूम है डैडी क्यों अपसेट है। क्यों? क्योंकि प्रेमा आंटी जा रही है ना घर छोड़ के, इसीलिए। ओ, तो ये वजह है तुम्हारे अपसेट होने की। चलो अच्छा हुआ, आज के बाद मैं खिड़की के सारे पर्दे निकाल दूंगी। गुड मॉर्निंग कोकी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिलबा जी, क्या ये सच है आप अपना मकान बेचकर जा रहे हैं? हाँ ये बिल्कुल सच है, ये तो बिल्कुल सच है। हाँ, आपको तो बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कोकी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा था कि आप बहुत दुखी हो जाएंगे हमें छोड़कर जाते हुए। और हम आपको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? सच? आप हमें छोड़कर नहीं जा रहे, आप फ्लैट बेच नहीं रहे। अरे केकड़े फ्लैट तो बेच रहे हैं बाबा, लेकिन दूसरा खरीद भी तो रहे हैं। कोकी जी, हम यहाँ से जाएंगे तो आपको दुख होगा। हाँ थोड़ा थोड़ा दुख तो बहुत होगा। लेकिन क्यों? क्यों क्या, फिर मुझे गुड मॉर्निंग कौन कहेगा? अरे लेकिन हम लोग कोई बहुत दूर थोड़ी जा रहे हैं। सच? इतना एक्साइट हो रहा है। हमने सामने वाली बिल्डिंग में फ्लैट लिया है। सच? हाँ, लेकिन उसमें बैल्कनी नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल गया कोकी। कौन सा? हमारी जो किचन है ना, वो आपकी किचन के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मैं सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त आपको गुड मॉर्निंग कह सकूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, ये चाबी रखिए हमारे फ्लैट की। अगर कोई अच्छा कस्टमर आए ना तो उसको दिखा देना खोल के। ओके बाय बाय। बाय बाय। आमने सामने किचन। यस गोखले यस। यानी कि कोकी भाभी और दिलरुबा एक दूसरे की रेसिपी शेयर करेंगे? अरे रेसिपी शेयर करनी है तो करने दो, लेकिन वो दोनों मिलकर किचन में मेरे बारे में खिचड़ी पकाएंगे, उसका क्या? यार केशव तेरा अपने बीवी पर जरा भी भरोसा नहीं। अरे मेरा बीवी पर पूरा भरोसा है गोखले, लेकिन पड़ोसियों का हवाला कौन देगा? हाँ, और अगर कोई देता भी है उसका क्या भरोसा? हवाले के मामले में कोई किसी का नहीं होता। राइट गोखले, वेरी राइट। इसलिए तो कहता हूँ ऐसा कोई आइडिया निकाल जिसे मैं प्रेमा जी को अपना फ्लैट बेचने से रोक सकूं। केशव, एक आइडिया है। बोल बोल। तुम उनके कस्टमर्स को फ्लैट खरीदने से रोक दो। वेरी गुड आइडिया गोखले, वेरी गुड आइडिया। जरा नजदीक आ। थैंक यू। अरे अच्छा हुआ केशव तुम आ गए, ये चाबी पकड़ो। दिलरुबा जी उनके फ्लैट की चाबी हमारे यहाँ छोड़ गए हैं। तो इस चाबी का मैं क्या करूँ? अरे कोई कस्टमर उनका फ्लैट देखने आए तो उन्हें दिखा देना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा दलाली वाला काम मैं नहीं करने वाला। ठीक है, तो हटो बाजू। एक मिनट एक मिनट एक मिनट ओके एक मिनट, जरा चाबी देना। क्यों? देना ना, जाओ जाओ। कहाँ गई? कमाल है। अरे
लगता है ग्रेविटी कम हो गई है। आइए मैडम, आइए आइए, देखिए कितनी प्यारी जगह है, कितना बड़ा कमरा है, देखिए। कमरा तो सचमुच बहुत बड़ा है। वैसे यहाँ की लोकैलिटी कैसी है? अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। हाँ, पिछले महीने 2-3 हाफ मर्डर और 5-6 फुल मर्डर हो गए थे, लेकिन लोकैलिटी में बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चोरी वोरी तो नहीं होती ना? नहीं नहीं नहीं, चोरी वोरी नहीं होती, चोर आते ही नहीं, क्योंकि रात भर कुत्ते भौंकते रहते हैं, चोर आएंगे कहाँ से। वैसे यहाँ पे रात भर कुत्ते क्यों भौंकते रहते हैं? नहीं, कुत्तों को भौंकना पड़ता है क्योंकि हमारे मोहल्ले में 30-35 बिल्लियां हैं जो रात भर रोती रहती है, तो कॉम्पिटिशन में रहने के लिए कुत्तों को भौंकना पड़ता है। What a competitive spirit. Yes, yes. आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। आइए देखिए मैडम, इसको विंडो कहते हैं। मजे की बात यह है, इस विंडो की ये खुलती भी है और बंद भी हो जाती है, और इस पर कांच लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट। इस कांच से आप सब कुछ देख सकते हैं, झाड़ पान सब कुछ, सारे नजारे देख सकते हैं। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। आप एजेंट हैं? जी नहीं, मैं दिलरुबा जी का दोस्त हूँ और प्रेमा जी का फैन। फैन क्यों लटक रहा है? नहीं, वो बरसों से लटक रहा है। क्या है, प्रेमा जी के आने से पहले यहाँ एक स्मगलर रहा करता था, बहुत ही अच्छा इंसान था, दिल का इतना नेक और साफ था। हमारे मोहल्ले में जितने भी कार्यक्रम प्रोग्राम होते थे उसमें सबसे ज्यादा चंदा वो स्मगलर देता था। लेकिन ये फैन के लटकने से और वो स्मगलर का क्या ताल्लुक? नहीं, उस स्मगलर ने इस फैन पर लटक कर आत्महत्या की ना। क्या है, आज भी दिलरुबा को कभी कभी उसकी आत्मा इस फैन पर लटकती हुई नजर आती है। अरे, हमारा दरवाजा खुला कैसे हो? हेलो प्रेमा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बारिश को आपका फ्लैट बता रहा था। जी, आप इतने अच्छे हैं, लेकिन आपने क्यों तकलीफ उठाई? दिलरुबा जी, हमारे घर में ये चाबी जो छोड़ के गए थे और कहकर गए थे कोई अच्छा सा गिरा का है तो हमारा फ्लैट दिखा देना। नहीं नहीं, मैं तो कोकी जी को ऐसे ही प्रेमा जी, प्रेमा जी देखिए, मैंने सबको पटा लिया है, पटा लिया है, बाकी का आप संभाल लेना। ओके ओके ओके। Excuse me. Hello. आप बताइए, आप में से किस किस को फ्लैट पसंद आया है और कौन टोकन अमाउंट देगा? आप लोग चुप क्यों हैं? फ्लैट पसंद नहीं आया? फ्लैट तो हमें पसंद आया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपके एरिया में खून वून होते रहते हैं। खून? और आपने हमें ये भी नहीं बताया कि आपके एरिया में रात भर बिल्लियां रोती रहती हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। और ये भी नहीं बताया कि आपके पंखे से लटक के एक स्मगलर ने आत्महत्या कर ली और उसकी रूह यहीं कहीं भटकती रहती है। हमें आपका फ्लैट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुफ्त में भी नहीं चाहिए। हेलो, कुत्ते के पिल्ले, लुच्चे टुच्चे, लफंगे बेढंगे चश्मिश। देखो, स्टॉप दिस गाली गलौज, आई कांट स्टैंड दिस अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। मैं केकड़े का चूना बना लूंगा। देखो, इसने सारे कस्टमर भगा दिए हमारे। नो, देखो, एक कस्टमर है अभी। कौन? हेलो, हाँ प्रेमा जी, बोलिए बोलिए। जी जी, मैं इंटरेस्टेड हूँ, कितना एडवांस चाहिए आपको? एडवांस आप 3-4 आप 5 लाख लेकर आ जाइए ना शर्मा जी। मैं कल सभी लेकर के आता हूँ। अच्छा अच्छा प्रेमा जी। ये ले पकड़, 125 रुपए, बाकी के काम हो जाने के बाद मिल जाएंगे, समझा? क्या जैसा मैंने कहा वैसा करना पड़ेगा तेरे को, समझा? वैसा ही करूंगा। हाँ। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आज तक मैंने हजारों रोल किए हैं। बस बस, क्या कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, है? ऐसी ओवर एक्टिंग की ना तो भाई को बोल के तेरी नाटक कंपनी बंद करवा दूंगा, समझा क्या? चल जा, निकल ले निकल ले, तब तक मैं भी गेटअप चेंज करके आता हूँ।
एपड़ी यार करिया कौन आमरा हाँ जी हाँ जी प्रेमा जी प्रेमा जी हाँ जी प्रेमा जी क्या प्रेमा जी क्या है जी हाँ जी हैं जी अच्छा ठीक है मिलना आपको बैठी बैठी डॉल बिल्कुल मिलने आया है तुमसे कौन है ओ शर्मा जी आ गए शर्मा जी नहीं ये देखो कौन है मैं ज्योतिष जोशी लेकिन हमें किसी जोशी वोशी की जरूरत नहीं है हम ये अपना घर बेच रहे हैं और हमारा भविष्य बदल जाएगा कौन कहता है कि ये घर बेचकर आपका भविष्य बदल जाएगा कौन कहता है कि ये घर बेचकर हमारा भविष्य नहीं बदलेगा मैं कहता हूँ ये फ्लैट आपके लिए बहुत लकी है प्रेमा जी मैं आ गया शर्मा जी पहे 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 एडवांस मकान का ओ ये लीजिए पूरे 5 लाख ये तो खाली 200-400 रुपया है अंदर है ना अच्छा 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 प्रेमा जी आप ये पैसे मत लीजिए क्यों क्योंकि इसे आपको भारी नुकसान हो जाएगा अबे मूर्ख पैसे नहीं लेंगे तो अभी 5 लाख का नुकसान हो जाएगा फिर भी आप ये पैसे मत लीजिए जोश जी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं क्योंकि मुझे आपके भविष्य की चिंता खाई जा रही है पहले ये बताइए कि आपने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं खाया है? नहीं खाया है तो ये लीजिए ये 5 रुपए लीजिए और जाइए कुछ खाइए उसके बाद वापस मत आइए जाइए अच्छा सर ये 5 लाख तो आ गए ये बाकी ये 5 लाख बीबी के गहने बेचकर जीरे के गहने मिलते ही मैं आपको ला करके दे दूंगा प्रेमा जी सर आपका हो गया ना अभी 5 लाख आ गए जब बैलेंस आएगा उसके बाद आइएगा 5 लाख एक्सक्यूज मी जी ये प्रेमशालिनी इधर को आना जी ये है ना मैडम आइए ये प्रेमशालिनी ब्यूटीफुल जी ब्यूटीफुल आपकी तारीफ अयो हमको नहीं पहचाना हमको नहीं पहचाना हम एम पंच पकेशन भी है मद्रास फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर जी हमारा नेक्स्ट पिक्चर के लिए आपको साइन करने को आया व्हाट यस मैडम आई मीन What terms and conditions? Air condition studio, car, air condition room, everything air condition and plus 90 lakhs. 90 lakhs. देवी देवी क्या हुआ रे ज्यादा लगा ज्यादा लगा देवी ज्यादा नहीं लगा बिल्कुल परफेक्ट है 90 लाख हमको ये आपका फ्लैट भी खरीदने को मांगता और बॉम्बे ऑफिस सॉरी सर वो तो हमने अभी बेच दिया है 5 लाख रुपए एडवांस भी ले लिया है आइया प्रॉब्लम जी क्या प्रॉब्लम हमको तो पैकेज डील करना था पैकेज डील या फिल्म और ये फ्लैट का दोनों का मिल के आप कितना लगाएगा बोलो अभी आप थोड़ा ये रख लो जी आप थोड़ा ये रखो जी कितना आप थोड़ा ये हमारा विजिटिंग कार्ड रखो जी आफ्टर 2 days माय मैन विल कम एंड गिव यू 25% एडवांस ओके 25% यस मैडम ओके मैडम डन जी डन ओके ओके जी सुपर हिट बेबी ब्यूटीफुल बेबी स्वीट स्वीट बेबी अच्छा जी हम चले तो सुपर हिट फिल्म बनाएगा जी ओके जी ओके ओके सर ओके डॉल आई कांट बिलीव इट टू क्रोस शर्मा जी ये आपके 5 लाख रुपए मैं वापस करने आया हूँ कैसे 5 लाख जो इन्होंने हमको दिए थे हमारा फ्लैट खरीदने के लिए एडवांस दिया था ना वही हाँ, और ये 2 रुपए 80 पैसे रख लीजिए ये इसमें फिट नहीं आ रहे थे मुझे तो मैं फिट करती हूँ पहले तो तुम ये बताओ कि इतने पैसे तुम्हें कहाँ से मिले आपके गहने बेचकर नहीं डालने ये मेरी कमाई के पैसे हैं लगता है कुछ गड़बड़ हैपनिंग यही तो मैं पूछता हूँ कि क्या गड़बड़ हैपनिंग शर्मा जी हम लोग अपना फ्लैट आपको नहीं बेचेंगे क्योंकि हमको एक और ग्राहक मिलेंगे जो हमको 90 लाख गिविंग ए बबलू सच सच मुझे बताओ इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए नहीं जानती डालेंगे ये हम लोग की कोड लैंग्वेज है जब भी कोई सौदा अंडर टेबल होता है ना तो हम लोग यही कह देते हैं कि हमारी बीबी के गहने हैं अंडर टेबल बीबी के गहने तुम कितने स्वीट हो गॉड इज रियली ग्रेट देखो ना बबलू 5 लाख मुझसे गए 5 लाख मेरे पास आए
सीक्रेट की बात बताऊं? हाँ बोलो बोलो। बबलू मेरी जो असली डायमंड की ज्वेलरी है ना, वो भी मैंने कहीं और छुपा के रखी है। कहाँ छुपा के रखी डार्लिंग? बाथरूम के ऊपर के सेफ में। देखो तुम बड़ी भुलक्कड़ हो, चाबी यहीं कहीं तूने फेंक दी। मुझे इतना बुद्ध समझते हो क्या? मैंने उसे रखा है बाथरूम के फ्लश टैंक में। ओहो शाबाश, तुम कितनी विद्वान हो डार्लिंग। मैं बाथरूम को क्या कहूँ? तुमने शर्मा जी के पैसे वापस कर दिए ना? वापस कर दिए। अब एक काम करो, वो मद्रास के प्रोड्यूसर को फोन करो, उसको बोलो एडवांस लेकर आ जाए। ओके, हियर इज द नंबर। ओके, टू 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 टू। हेलो हेलो 862-9258। हाँ जी। यहाँ मिस्टर यम यम पंचकेश्वर फिल्म प्रोड्यूसर। फिल्म प्रोड्यूसर है? अजी ये प्रोड्यूसर का नहीं है, ये कबाड़ी की दुकान का नंबर है। तो क्या हुआ? ये तो कबाड़ी की दुकान का फोन नंबर है, हमें किसी ने बेवकूफ तो नहीं बनाया? 2 करोड़ रुपए। प्रेमा जी क्या बात है, आप परेशान सी लग रही हैं। हमें किसी ने बेवकूफ बनाया है? अच्छा, और उसके चक्कर में आके हमने शर्मा जी के एडवांस पैसे वापस कर दिए हैं। प्रेमा जी मैं आ गया, फिर से आ गया। अबे देख मंगे, प्रेमा जी आपको 2 करोड़ का ऑफर हुआ है ना, मैं आपके लिए 2.5 करोड़ लेकर के आया हूँ। जुर्म में? किस जुर्म में? आपने एक औरत के घर से पूरे 2.5 करोड़ के हीरे चुरा कर एक जौहरी को बेचे। कौन कहता है? कौन कहता है? एक्सक्यूज मी मैडम, ये रहा चोर। बबलू